दोस्तों, हमारे सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा है, सर 2020 की जनवरी की हिस्ट्री देखना है तो कैसे देखे, कैसे फ़ोन पे के अंदर होल हिस्ट्री देखी जाती है, अगर इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो इसका सॉल्यूशन क्या है। तो जानने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। तो सिंपल सा पहले फोन पे की हिस्ट्री हम आपको बताते हैं कैसे देखते हैं। तो यहाँ पर हम फोन पे खोल लेते हैं, यहाँ पर ऐप को, एंड यहाँ पर हम पासवर्ड डालते हैं, एंड आपको नीचे आ जाना है, एंड यहाँ है हिस्ट्री, आप सिंपल सा इस पर क्लिक कर दीजिए। आपकी जो भी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होंगी वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। अब आपको मंथ वाइज देखना है तो सिंपल सा इस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर मुझे अभी परमिशन मिल रही है यहाँ पर 2020 की हिस्ट्री देखने की। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, फ़ोन पे ओल्ड हिस्ट्री को क्लियर कर देता है, मतलब आप ऐप अपडेट करेंगे और ऐप अपडेट होने के बाद ओल्ड हिस्ट्रियाँ होंगी वो यहाँ से रिमूव कर देता है ना। तो अगर इसका सॉल्यूशन क्या है, तो दोस्तों अगर आपके में शो हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो इसका सॉल्यूशन दो ही है। क्या करना है दोस्तों, जब आप फ़ोनपे के अंदर कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो ट्रांजेक्शन करते समय आपकी ट्रांजेक्शन का एक मेल आता है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर मेल भी। तो मैं सिंपल से खोल लेता हूँ अपना जीमेल, तो यहाँ पर मैं फ़ोनपे खोल लेता हूँ। मैंने फ़ोनपे से अभी कुछ अमाउंट पे किया है, तो यहाँ पर तो देखिए ये मेल आ गया। सिंपल से इस पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर जब भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे एक पेमेंट स्लिप आपके मेल पर आ जाएगी, है ना। तो ये पेमेंट स्लिप है। अब दोस्तों करना क्या है, अगर ओल्ड आपको नहीं मिल रहे ट्रांजेक्शन जैसा इन्होंने पूछा है 2020 के, तो आप उस ईमेल आईडी को चेक कीजिए जिस ईमेल आईडी से प्ले स्टोर आईडी है, एंड आप ट्रांजेक्शन करते हैं उस ईमेल आईडी पे इंफॉर्मेशन आती है, तो वहाँ आप चेक कीजिए। यहाँ आप सिंपल डालेंगे फ़ोनपे, तो फ़ोनपे से रिलेटेड आपकी जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। देखिए मैंने यहाँ पर फ़ोनपे से कितनी ट्रांजेक्शन के सारे बिल आए हैं, मतलब स्लिप आई हैं जो मैंने ट्रांजेक्शन किए, ठीक है। पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन में आपको जाना है बैंक के पास, आपको यहाँ पर बैंक को बताना है, बैंक से स्टेटमेंट निकालना है। बैंक स्टेटमेंट निकालेंगे दोस्तों तो वहाँ पर भी फ़ोनपे की एक ट्रांजेक्शन आई डी रहती है, क्योंकि जब भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो वहाँ पर फ़ोनपे के द्वारा दी हुई पेमेंट या ली हुई पेमेंट की इन्फॉर्मेशन आती है डेबिट एंड क्रेडिट में, है ना। ये दो कंडीशन है आपको फ़ोनपे के ओल्ड ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देखने की। पहला आप मेल चेक कीजिए, मेल पे अगर नहीं है तो दोबारा बैंक जाइए, वहाँ से स्टेटमेंट निकालिए या ऑनलाइन निकाल लीजिए। तो इस तरह से हम फ़ोनपे के अंदर ओल्ड ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को देखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।